हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं शेयर करूंगी आई मेकअप। अगर आप मेरी डेली वीडियोस को देखते हो तो उस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब किया करो। और मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरी इंस्टा आईडी है ramya1, तो आप चाहो तो इंस्टा पेज ज्वाइन कर सकते हो। मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं अप्लाई करूंगी मॉइस्चराइज़र। तो मैं यहाँ पे फेसेस कैनेडा का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। अपनी स्किन को अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज करेंगे, इससे क्या होगा कि आपका मेकअप केक ही नहीं दिखेगा। और अब मैं अप्लाई कर रही हूँ लिप बाम, और इसके बाद मैं अप्लाई करी NYBae का कंसीलर। अगर आपका आई शेडो निखर के नहीं आता, डार्क नहीं आता है, तो आप हाई कवरेज कंसीलर यूज़ करो, या फिर आप जो कंसीलर यूज़ करते हो एक और लेयर ऊपर से अप्लाई करो, उसके बाद अप्लाई करो आप। और कलर करेक्टर ज़रूर अप्लाई करो अगर डार्क सर्कल है तो। और इसे अच्छी तरीके से हम ब्लेंड कर लेंगे। और कंसीलर को फिक्स कर रही मैं लैक्मे रोज पाउडर से। ये काफ़ी अच्छा लूज पाउडर है, अगर आप चाहते हो कम प्राइस पे लेना इसे तो काफ़ी अफोर्डेबल है और आप ले सकते हो। 199 का है या फिर ऐसे कुछ अप्रॉक्स है। और यहाँ पे मैंने लिया ऑरेंज आई शेडो, और यहाँ मैंने लिया ब्लेंडिंग ब्रश, उसकी हेल्प से मैं राउंड राउंड करके अच्छी हल्के हाथों से ब्लेंड कर लूँगी। मैं ऑरेंज शेड लोअर लैश लाइन के नीचे भी अप्लाई कर रही हूँ, तो जो भी आई शेडो मैं आईलिड पे अप्लाई करूँगी वो लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई करूँगी। आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। और अब मैंने लिया यहाँ पे ब्लैक शेड, और यहाँ पे मैंने दूसरा ब्लेंडिंग ब्रश लिया, उसकी हेल्प से मैं ब्लैक शेड अप्लाई कर रही हूँ लाइटली, बहुत हल्का। और इसके बाद मैं लूँगी डार्क ब्राउन शेड और लाइट ब्राउन शेड, और उसकी हेल्प से मैं अपने आईलिड पे अप्लाई करूँगी ताकि एक मुझे अच्छा और थोड़ा सा डार्क लुक आए। तो यहाँ पे मैंने लिया ब्राउन और एक लाइट ब्राउन शेड, और उसकी हेल्प से मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्रश। यहाँ पे मैंने दूसरा ब्रश लिया, तो मैंने तीन ब्रश लिए हैं। और इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ आई लाइनर L18 आई लाइनर। तो ये काफ़ी अच्छा आई लाइनर है और बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छा है, तो अगर आप में कोई बिगनर्स देख रहा है तो आप ये ले सकते हो, काफ़ी अच्छा है। और ये एक लैक्मे का आता है वो भी काफ़ी अच्छा है, अगर आप वाटरप्रूफ चाहते हो तो उसमें वाटरप्रूफ भी आएंगे। और अब मैं यूज़ करी ब्लू हेवन का मस्कारा, तो मस्कारा अप्लाई कर लेंगे हम। तो मैं यहाँ वाटरप्रूफ मस्कारा नहीं अप्लाई कर रही। समर टाइम चल रहा है तो आप वाटरप्रूफ मस्कारा भी यूज़ कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छा रहेगा अगर आप दिन के टाइम बाहर जाते हो लगाते हो तो। अब मैं सेट कर रही अपने आईब्रोज। अपने आईब्रोज को मैं शेप दे लूँगी, तो यहाँ पे मैंने लिया है आईब्रो ब्रश। तो अगर आपके बहुत डार्क आईब्रोज है तो आप डार्क ब्लैक शेड ना अप्लाई करो, बस शेप दे लो। अब मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे आईलैश, तो इसे अप्लाई कर लिया है मैंने। और इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी प्राइमर, तो मैं इनसाइट का प्राइमर यूज़ कर रही, ये जेल बेस्ड प्राइमर है, तो ये काफ़ी अच्छा है और मॉइस्चराइज भी करता है स्किन को अच्छी तरीके से। तो हम अच्छी तरीके से अप्लाई कर लेंगे। प्राइमर हमारी स्किन को मेकअप से प्रोटेक्ट करता है, तो आप इसे ज़रूर अप्लाई करो। अब मैं यूज़ कर रही फाउंडेशन, लैक्मे का फाउंडेशन, और एक पतले से ब्रश की हेल्प से मैं पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी, क्योंकि इसकी पैकेजिंग जो है पंप नहीं है, तो इसलिए मैं इस ब्रश से अप्लाई करती हूँ। और इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं अच्छे तरीके से डैप डैप करके अप्लाई कर लूँगी। तो मैंने जैसे बताया था स्टार्टिंग में ही कि अगर आपका मेकअप केकी हो जाता है तो आप स्किन केयर अच्छे से करो, बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र भी ना यूज़ कर लो, प्राइमर भी ना यूज़ कर लो, मीडियम में, ताकि आपका मेकअप अच्छे से बैठे। और अब मैं यूज़ करी NYBae का कॉन्टोर, लिक्विड कॉन्टोर। बेसिकली मैं लिक्विड कॉन्टोर इग्नोर करती हूँ, बट आज मैंने यूज़ कर लिया। नोज़ पे भी कॉन्टोर अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे मैंने लिया है
ब्यूटी ब्लेंडर और उसकी हेल्प से मैं कॉन्टोर को ब्लेंड कर लूँगी। आप चाहो तो ब्रश की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हो, बट मैं ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। और नोज़ पे मैंने लिया यहाँ पे छोटा ब्रश, उसकी हेल्प से अच्छी तरीके से मैं ब्लेंड कर लूँगी कॉन्टोर को। और अब मैंने यहाँ पे लिया ब्लश, तो ये मैं शुगर का ब्लश यूज़ कर रही हूँ और इसे अच्छी तरीके से राउंड राउंड करके अप्लाई कर लेंगे। अगर आप बिगनर हो तो आप पहले डैब डैब करके अप्लाई करो हल्का हल्का ब्लश लेके, और उसके बाद अच्छे से इसको स्मूथली फिनिश दे दो। और इसके बाद मैं अप्लाई करी हाइलाइटर, तो सेम पैलेट से मैं हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ, तो अपने चीक बोन, फोरहेड, नोज़ अप्लाई कर लेंगे। अगर आप मेरी डेली वीडियोस देखते हो, आपको वीडियोस मेरी पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक किया करो और कमेंट करके अपने ओपिनियन जरूर शेयर किया करो आप। और अब मैं यहाँ पे कॉन्टोर कर रही अपने लिप्स, तो यहाँ पे मैंने लिया एक फ्लैट ब्रश, उसकी हेल्प से मैं कॉन्टोर कर रही अपने लिप्स। और इसके बाद मैं ले रही मैट लिप की लिपस्टिक, न्यूट शेड है, पिंक शेड है, काफ़ी अच्छा शेड है। और इसकी अपने फिंगर की हेल्प से इसे डैब डैब करके मैं अप्लाई कर लूँगी। और इसके बाद मैं यूज़ करूँगी सिस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर। और ये हुआ मेकअप कंप्लीट। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। आई होप आप सभी को ये आई मेकअप पसंद है। अगर आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना और अपने ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर किया करो। बेल आइकन प्रेस कर देना, न्यू वीडियो आएगी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।